हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट टाइम के आई मीन 10th स्टैंडर्ड के जो वीडियोस में मैंने बताया था, लास्ट टाइम 6.1 जो एक्सरसाइज थी, यस वो तो ख़त्म हो चुकी थी। ओके, मतलब उसके दो पार्ट्स थे, पार्ट वन और पार्ट टू। अगर नहीं देखा होगा तो ऊपर लिंक आएगी, आई मीन आई बटन आएगा, वहाँ पे जाके देख लो। अगर वो भी नहीं समझ में आया होगा तो पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो ट्रिगो की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बाद यहाँ पे आ जाना, तब पता चल जाएगा कि सॉल्विंग कैसे करनी है। तो आज एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं, 6.2। ये भी वर्ड न्यूमेरिकल्स है, मतलब पहले वाले जो न्यूमेरिकल्स थे वो प्रूफ दैट के थे और नंबर दिए होंगे डायरेक्टली, वो सॉल्व करना था। यहाँ पे वर्ड्स में होंगे, मतलब थेरोटिकल जो होते हैं ना वर्डिंग्स में, वर्ड्स प्रॉब्लम है ये, तो इनको सॉल्व करना है। और इनको सॉल्व कैसे करें, स्टूडेंट नंबर वाले इजीली सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं आज बता दूंगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलो डायरेक्टली स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम द चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। मतलब क्वेश्चन क्या है कि एक कोई पर्सन है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च, मतलब एक चर्च है, उस चर्च से वो बंदा 80 मीटर्स डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, मतलब यहाँ पे कोई चर्च है, वो ऐसे खड़ा है और उसके बाद वो चर्च के टॉप को देख रहा है, ऐसे सीधा नहीं, चर्च के टॉप को देख रहा है। तो चर्च के टॉप को देखते टाइम उसका एंगल हॉरिजॉन्टल और चर्च के टॉप से 45 हो रहा है, एलिवेशन, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। एलिवेशन तो ऊपर हो सकता है और डिप्रेशन मतलब नीचे होगा, तो वो जो क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने एलिवेशन बोला है, एलिवेशन मतलब नॉर्मल से ऊपर वाले एंगल को, तो कौन सा एंगल है, तो 45। तो उन्होंने बोला है उन लोगों ने कि वो जो पर्सन है वो खड़ा है, वो चर्च के टॉप को देख रहा है एट एन एंगल 45, तो उस चर्च की हाइट क्या हुई। तो तुम लोग बोलोगे सर तो चर्च की हाइट है, तो उस पर्सन की आँखों से या फिर यहाँ से नेक से नीचे वाली हाइट कैलकुलेट करना है क्या, वो कैलकुलेट नहीं करनी है, वो आप लोगों को निग्लिजिबल कंसिडर करनी है, वो आपको निग्लिजिबल मतलब उस पर्सन की हाइट मत कंसिडर करो। उन लोगों ने नहीं बोला है तो मत कंसिडर करो, अगर उन लोगों ने बोला होगा तो ही करना है। तो मैंने अभी क्या बोला ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे एक चर्च है, मैं डायग्राम ट्रिगो में हर एक क्वेश्चन पे डायग्राम बनानी इंपॉर्टेंट है, विदाउट डायग्राम आप समझ ही नहीं सकते कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे एक चर्च है, तो यहाँ पे कंसिडर करो कि यहाँ पे एक चर्च है, तो मैंने यहाँ पे चर्च बना दिया। तो ये चर्च की हाइट है, मतलब ये पूरी बिल्डिंग है, तो ये टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया। ओके, समझ में आ रहा है, टॉप हो गया बॉटम, और ये चर्च है मतलब एक बिल्डिंग है, ये सरफेस पे खड़ी है ना, ग्राउंड पे खड़ी है, तो ग्राउंड पे क्या है, परपेंडिकुलर ही खड़ी होगी ना, मतलब ग्राउंड से ज़मीन से ये कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री ना। कोई बिल्डिंग ऐसे खड़ी तो नहीं होती ना, ऐसे टिल्ट। तुम लोग बोलोगे सर पीसा टावर है, पीसा टावर होगा तो वीडियो बंद कर दो। चलो समझ में आ रहा है, ये जो बिल्डिंग है कोई भी नॉर्मल बिल्डिंग वो परपेंडिकुलर ही खड़ी होती है, तो ये हो गया ग्राउंड सरफेस, ये होगी बिल्डिंग की हाइट। उसके बाद उन लोगों ने जो बोला है कि ये यहाँ पे वो पर्सन खड़ा है, यहाँ पे वो भी ज़मीन पे ही खड़ा होगा ना, हवा में थोड़ी ना होगा, तो वो पर्सन जो ज़मीन पे खड़ा है वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, मतलब यहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ पे देख रहा है ना वो, तो यहाँ पे देख रहा है, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है वो ऐसे, और वो पर्सन बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है, बिल्डिंग से वो 80 मीटर्स दूर खड़ा है। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब पर्सन से लेके बिल्डिंग तक एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो सकता है उसका डिस्टेंस, मतलब इस बिल्डिंग से ये पर्सन 80 मीटर्स दूर खड़ा, यही दिया है ना उन लोगों ने, यस ये गिवन दिया है 80 मीटर्स दूर है। उसके बाद उन लोगों ने ये बोला है कि वही पर्सन 45 के एंगल से उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करो। तो ये उन लोगों ने क्वेश्चन दिया, तो ये एक टाइप का ट्रायंगल हो गया ना, दिखाई दे रहा है ए बी सी, और यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ग्राउंड पे खड़ी है तो परपेंडिकुलर ही होगी, तो ये तो ट्रायंगल बन गया। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने बोला था ट्रिगो में राइट एंगल ट्रायंगल ही बहुत बार यूज़ होने वाला है, बहुत बार मतलब वही यूज़ होने वाला है।
दूसरा कोई यूज ट्राइंगल होगा तो उसको भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। मतलब इन शॉर्ट ट्रिगो में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज़ होगा। ओके, तो ये समझ में आया ये डायग्राम कैसे, तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो, तो अगर ये ट्राइंगल कंसिडर करोगे आप लोग, तो ये वाली एक साइड हो गई ट्राइंगल की, ये वाली एक साइड हो गई ट्राइंगल की, और ये जो एसी है, ये एसी तो हाइपोटेनियस हो गई ना। हाइपोटेनियस समझ में आ रहा है, क्योंकि 90 के अपोजिट है, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गई। तो उन लोगों ने बोला हाइट फाइंड आउट करना है। मतलब फाइंड आउट क्या करना है, बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली वीडियो जाके देख लो, वहाँ पे मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन की। तो एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है और मेरे को साइड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो, एंगल है और साइड फाइंड आउट करनी है, एंगल है साइड फाइंड आउट करनी है। समझ में आ रहा है, मतलब ट्रिगो तो यूज़ होगा ही। ओके, और गिवन क्या क्या दिया है, देखो एक साइड गिवन दी है, एक एंगल गिवन दिया है, और दूसरी साइड फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेनियस नोन है क्या, हाइपोटेनियस नोन नहीं है, तो साइन और कॉस तो नहीं आएगा सॉल्व करना। समझ में आ रहा है, क्योंकि साइन और कॉस में तो हाइपोटेनियस आता है और हाइपोटेनियस तो दिया ही नहीं है। तो उसके बाद कौन सा ट्रिगो फंक्शन आएगा, तो मैं बता देता हूँ। देखो, एंगल मालूम है तुम लोगों को, एंगल नोन है, एंगल के एडजेसेंट साइड मालूम है, एंगल के एडजेसेंट मतलब एंगल के बाजू वाली साइड मालूम है, एंगल की एडजेसेंट साइड मालूम है पता है, और एंगल की अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। एडजेसेंट नोन है, अपोजिट फाइंड आउट करनी है, एडजेसेंट अपोजिट, एडजेसेंट अपोजिट, तो कौन सा फंक्शन होगा, टैन। तो मैं डायरेक्टली टैन यूज कर देता हूँ। तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है 80 मीटर्स, बी सी की वैल्यू तो नहीं है, तो वो फाइंड आउट करनी है, नोन है, अननोन है। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 45। देयरफॉर तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देयरफॉर तुम लोग क्या करोगे, टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तुम लोग बोलोगे सर कॉट यूज करे, करो कॉट भी, कॉट यूज करके भी आंसर सेम ही आएगा। ओके, मेरे को टैन याद आ गया, मैं टैन यूज कर रहा हूँ। टैन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फर्स्ट वाली वीडियो देखो ट्रिगो की, समझ में आ जाएगा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे थीटा है ना, या एंगल, तो अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन ए सी, सॉरी ए बी, क्योंकि एडजेसेंट तो है ए बी। तो वैल्यू पुट करो, चलो टैन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आ गई 45। ये न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो मिनट्स लेता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैंने इतने 7-8 मिनट क्यों लगाए, क्योंकि आपको बेसिक पता चलना चाहिए था इसलिए। ओके, चलो यहाँ पे मैंने 45 पुट कर दिया। उसके बाद बी सी की वैल्यू नोन है क्या, नहीं, बी सी की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू कितनी है, 80। तो 80 मैंने पुट कर दिया। देखो टैन 45 क्या होता है, ट्रिगो टेबल याद है, ट्रिगो टेबल याद नहीं होगा तो टेक्स्ट बुक में होगा, मेरे फर्स्ट वीडियो में भी होगा, मैंने बता दिया था। टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, टैन 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू एज इट इज बी सी एज इट इज डिवाइड बाय 80। ओके, अब क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना, इस 80 को यहाँ पे ले आओ, तो क्या होगा, 80 इज इक्वल टू बी सी, मतलब बी सी की वैल्यू कितनी मिली, 80 यूनिट्स क्या है, यहाँ पे मीटर है ना, तो यहाँ पे भी मीटर ही आएगा, मतलब बी सी की वैल्यू मिली 80। मतलब बिल्डिंग की हाइट, उस चर्च की हाइट कितनी होगी, 80 मीटर्स। तो तुम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे, द हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर्स। समझ में आया है, और ये जेई में जब आप लोग यूज़ करते हो ना 12th स्टैंडर्ड में, तो कैसे यूज करोगे, एंगल 45 है, यहाँ पे 90 है, तो ये एंगल भी 45 होगा। अगर दो एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड भी सेम होंगे, ये 9th स्टैंडर्ड में हो गया है। तो यही बेसिक रूल यूज़ करना है, मैं यहाँ पे भी बता देता, ये 45 है ना, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स, दो एंगल इक्वल है, एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 45 तो यहाँ पे 80, तो यहाँ पे भी 80 आ जाता, डायरेक्टली एक सेकंड में बता देता, लेकिन सॉल्विंग करना था तो सॉल्विंग ऐसे, देखो आंसर तो 80 आ गया। समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर दो और फिर से देख लो, अगर आंसर समझ में आया होगा या फिर ये जो मैंने बोला ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बोर्ड पे लिखा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो फटाफट करते, थोड़ा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। उन लोगों ने क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप पे कोई पर्सन खड़ा है, द ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप, मतलब
लाइट हाउस के टॉप पे एक बंदा खड़ा है, एक पर्सन है, वो समुंदर के अंदर मतलब सी के अंदर एक शिप है उसको देख रहा है। और एंगल ऑफ डिस्पर्शन, ये वर्ड देखो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले एलिवेशन था और ये डिस्पर्शन है, ये दो वर्ड्स के ही क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स को इनका मीनिंग पता नहीं होता और आंसर रॉन्ग लिख देते हैं। तो डिस्पर्शन, द एंगल ऑफ डिस्पर्शन इज 60 इफ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। अगर लाइट हाउस की हाइट 90 मीटर है तो वो शिप लाइट हाउस से कितना दूर है ये फाइंड आउट करो, तो ये बोला है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, वैसे नॉर्मल जो डायग्राम थी वही, ये हो गया लाइट हाउस। ओके, तो लाइट हाउस है तो वो सरफेस को परपेंडिकुलर ही होगा। उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला है, वहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, वो एक शिप को देख रहा है, तो कंसिडर करो यहाँ पे शिप है तो वो शिप को देख रहा है यहाँ पे। ओके, तो शिप को अगर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन बना रहा है, तो एंगल ये होगा ना, ये नहीं होगा। स्टूडेंट वही गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 60 लिख देते हैं और 60 को यूज़ करते हैं आंसर निकाल देते हैं। एंगल ऑफ डिस्पर्शन 60 दिया है, मतलब यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा, स्ट्रेट लाइन ना, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ओके, ये स्ट्रेट लाइन ना, तो ये 60 होता है, ये 60 होता है और ये यहाँ पे शिप है, तो शिप को मैं ग्राउंड से जॉइन कर दूंगा, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया, समझ में आ रहा है। और 60 यहाँ पे दिया है, अगर यहाँ पे 60 दिया है तो अगर ये 60 है तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, क्योंकि ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये सरफेस है और यहाँ से मैंने सरफेस को पैरेलल लिया है। अगर दो सरफेस, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उसके बीच में से जाने वाली लाइन कौन सी होती है, उसके बीच में से जाने वाली लाइन कौन सी होती है, उसे इंटरसेक्ट कर देती है ना वो, मतलब कट कर देती है। अगर कट करेगी तो कौन से एंगल में, तो एंगल्स के टाइप्स मिल जाते हैं ना वहाँ पे। तो देखो ये जेड में मिल रहा है, ये देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे जेड में आ रहा है, तो उसे कौन सा एंगल बोलेंगे, अल्टरनेट ना, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये। यहाँ पे अगर 60 है तो यहाँ पे भी 60 मिल गया मेरे को, समझ में आ रहा है, 9th स्टैंडर्ड के बेसिक रूल है ये। ओके चलो, तो अगर ये 60 है, ये 60 है तो ये 60 है, ये 60 नहीं है, यहाँ पे 60 नहीं होगा, यहाँ पे 60 होगा। ओके, यहाँ पे भी 60 मिल गया, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, उसके बाद ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का नेमिंग दे दो ABC, तो मैंने ABC नेमिंग दे दी। उसके बाद क्या बोला है, इफ़ द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90, तो अगर ये अगर लाइट हाउस है तो उसकी हाइट कितनी, 90 मीटर्स है, तो लाइट हाउस से शिप कितना दूर है ये फाइंड आउट करना है, मतलब BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो एंगल दिया है, एंगल दिया है, अपोजिट साइड नोन है और एडजेसेंट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी टैन यूज़ करेंगे, अपोजिट एडजेसेंट तो टैन यूज़ करेंगे। तो चलो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो पहले लिख दो। तो AB की वैल्यू उन लोगों ने दी है 90 मीटर्स, उसके बाद BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो अननोन है, और थीटा कितना दिया है, थीटा मिला है 60। एंगल ऑफ डिस्पर्शन देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 60 होता है। चलो तो टैन थीटा यूज़ करते हैं, तो टैन थीटा इज इक्वल टू, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, तो अपोजिट क्या है, यहाँ पे अपोजिट आ गया AB डिवाइड बाय एडजेसेंट आ गया BC। ओके, तो चलो वैल्यू पुट करते थे, तो टैन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो यहाँ पे मैं 60 पुट कर दूंगा। AB की वैल्यू कितनी है 90, डिवाइड बाय BC की वैल्यू अननोन है। ओके, तो चलो आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा, टैन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 60 की फर्स्ट वीडियो जाके देख लो पता चल जाएगा, या फिर ट्रिगो टेबल देख लो वहाँ पे पता चल जाएगा, टेक्स्ट बुक में है ट्रिगो टेबल। तो टैन 60 की वैल्यू तो डायरेक्टली नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा, साइन 60 अपॉन कॉस 60 ये कर दूंगा, साइन 60 √3/2, साइन 60 1/2, तो 2 कैंसिल, तो √3, तो टैन 60 की वैल्यू मिल गई √3, तो ये मैं √3 यहाँ पे लिख दूंगा। टैन 60 जाके ट्रिगो टेबल देखो वहाँ पे पता चल जाएगा, ये 90 आ गया, तो 90 मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिवाइड बाय BC, हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BC 90 डिवाइड बाय √3, चलो 90 डिवाइड बाय √3 ये मिल गया। इतना ही रख सकते हो या फिर इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो मैं इसे लिखूंगा कैसे, देखो 9 × 10, समझ में आया, 90 को लिखा है डिवाइड बाय √3, और इसे लिखते हैं 3 को देखो कैसे लिख रहा हो, √3 × 3 × 10 ऐसे लिख रहा हो डिवाइड बाय √3, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं
रूट थ्री को देखो मैं कैसे लिखूंगा, थ्री को देखो कैसे लिखूंगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, ये नाइन्थ स्टैंडर्ड में हो गया, रूट थ्री होता है थ्री इंटू थ्री इंटू टेन डिवाइड बाय रूट थ्री। तो मैं यहाँ तक क्यों खींच के लेके आया, क्योंकि ये रूट थ्री यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर मिलेगा मेरे को टेन इंटू थ्री थर्टी, थर्टी इंटू रूट थ्री, मतलब फाइनल आंसर आएगा आपका थर्टी रूट थ्री, ये मिल गया बी सी। ये हो गई, ये मीटर्स में है ना हाइट, यस, तो ये भी मीटर्स में आएगा, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मतलब वो शिप लाइट हाउस से थर्टी रूट थ्री डिस्टेंस पे है, मीटर डिस्टेंस पे है। अगर ये समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक भी कर दो वीडियो को। ये वीडियो समझ, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ में आया है, ये था सेकेंड थर्ड न्यूमेरिकल। अभी क्वेश्चन सेकेंड के बाद क्वेश्चन थर्ड मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जो क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड बहुत ही लेंदी है और एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसे स्टार मार्क कर दूँ, यहाँ पे एक स्टार दे दो, इसे स्टार मार्क कर सकते हो तुम लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है। और सेम क्वेश्चन पाइथागोरस में यूज़ किया है, सेम यही क्वेश्चन, लेकिन ये ट्रिगो से सॉल्व करना है और वो पाइथागोरस से सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे पाइथागोरस नहीं यूज़ कर सकते क्या, यहाँ पे आप पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो। एग्जाम में थोड़ी ना उन लोग बताने वाले हैं कि पाइथागोरस से सॉल्व करो या फिर ट्रिगो से, तुम लोग आंसर आने से मतलब है तुम लोगों को, ओके, और उन लोगों को भी आंसर लाने से मतलब है। कौन सी भी ट्रिक यूज़ करो, कौन सा भी चैप्टर यूज़ करो, लेकिन आंसर आना चाहिए, लेकिन वो ट्रिक होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ भी कर दोगे और आंसर लाओगे तो वो नहीं चलेगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया क्या है, देखो, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड ऑफ विड्थ 12 meters। मतलब दो बिल्डिंग्स ऐसे खड़े हैं एक दूसरे के साइड में दो बिल्डिंग खड़े हैं ऐसे, और दोनों बिल्डिंग के बीच में एक रोड है और उस रोड की विड्थ है 12 meters। मतलब इन शॉर्ट उस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 meters ना। उन लोगों ने बोला इन दोनों के बीच में एक रोड है तो रोड का विड्थ है 12 meters। मतलब इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 meters। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पर एक बिल्डिंग बना देता हूँ और यहाँ पर एक बिल्डिंग, दोनों के वॉल्स है, ये बिल्डिंग के वॉल्स है, तो इसके बाद ये दोनों के बीच का रोड है ना, तो ये 90 degrees होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स ये तो वो सरफेस पे ही खड़े, ये 90 degrees दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ओके चलो, तो ये 90 degrees हो गया, ये 90, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 meters, तो वो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 meters हाई। मतलब फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग की टॉप जो है, जो फर्स्ट बिल्डिंग का जो टॉप है वो 10 meters है ग्राउंड से। मतलब मैं अगर इसे कंसिडर करूँगा फर्स्ट बिल्डिंग, तो वो है 10 meters। मतलब फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है 10 meters, तो उन लोगों ने बोला है फ्रॉम द टॉप, इसके लिए ग्रामर थोड़ा सा आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बाद ही समझ में आ सकता है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज़ 10 meters हाई, मतलब 10 meters हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज 60। मतलब क्या है कि इस फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से मैं सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, यहाँ पे सेकेंड बिल्डिंग कंसिडर करो, सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को मैं देख रहा हूँ फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप से, और मैं देखने के लिए जब ऊपर देखूँगा तो मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन मिल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 है। मतलब मैं यहाँ से ऊपर देखूँगा ना, मतलब ये बिल्डिंग का टॉप कंसिडर कर दो, तो यहाँ पे मैं देखूँगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड सरफेस से 60 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखा लूँगा और ये हो गया 60। समझ में आ रहा है, मैं उस फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूँ और वहाँ से सेकेंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, और देखने के लिए मेरे को एंगल बनाने पड़ रहा है 60, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उन लोगों ने, तो ये एंगल मैं बना रहा हूँ 60। तो उन लोगों ने बोला क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, तो चलो हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग मतलब ये इस पूरे बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक टाइप की डायग्राम बन गई ना, तो एक काम कर दो, यहाँ पे नेमिंग दे दो, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी, ये डी और ये ई, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो मिला था, तो मैंने क्या किया, ये स्ट्रेट लाइन बना दी है ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों 90 degrees है, ये अगर 90 degrees है, ये अगर 90 degrees है, तो सेम ये एक रेक्टेंगल मैनर में मिल रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ए से
बी सी को पैरेलल लाइन मैंने निकाली है ए डी, तो अगर ये पैरेलल है तो ये रेक्टेंगल मिल गया ना, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल मिल गया। अगर रेक्टेंगल मिल गया है तो जितना बी सी होगा उतना ही ए डी भी होगा, तो बी सी कितना है 12, तो ए डी कितना हो गया, वो भी 12 हो गया। सेम जितना ए बी होगा उतना ही सी डी भी होगा, तो ए डी की वैल्यू है 10, तो सी डी की वैल्यू कितनी मिल गई 10। तो बिल्डिंग की अगर हाइट फाइंड आउट करनी है सेकेंड बिल्डिंग की, तो उसमें तो 10 तो मिल गया, सिर्फ ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो ए डी ई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो उसके बाद जो फर्स्ट या सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। देखो साइड नोन है, ए डी ई ट्राइंगल देखो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड कर दो, समझ में आ जाएगा। ए डी ई ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल नोन है, साइड नोन है, एंगल नोन है, साइड नोन है, और रिमेनिंग साइड फाइंड आउट करनी है, मतलब अपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है, एडजेसेंट नोन है, अपोजिट फाइंड आउट करनी है, एडजेसेंट नोन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, टैन। चलो स्टार्ट करते हैं, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले गिवन वैल्यूज लिख दो, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 10, उसके बाद बी सी की 10 मीटर, हाँ यूनिट देना इंपॉर्टेंट है, बी सी की वैल्यू कितना है 12 मीटर, तो उसके बाद मेरे को डी सी की वैल्यू भी मिल गई ना, लेकिन वो लिख लेना है आप लोगों को, वो लिखना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है उन लोगों ने 60। तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम पॉइंट ए वी ड्रॉ लाइन ए डी परपेंडिकुलर टू सी ई, मतलब ए पॉइंट से मैं ए डी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू सी ई। अगर मैं परपेंडिकुलर टू सी ई ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पे मेरे को परपेंडिकुलर मिल गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद मेरे को मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल वी गेट, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं वी गेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, मतलब ए बी सी डी मेरे को रेक्टेंगल मिल रहा है, और रेक्टेंगल मिल रहा है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो रेक्टेंगल में देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा, तो ए बी और सी डी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर। सेम जितना बी सी होगा उतना ही ए डी होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी है 12 मीटर, तो ये मैंने लिख दिया। तो उसके बाद आगे चलते हैं, चलो तो ए डी की वैल्यू 12 है और ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई में मैं क्या करूँगा, टैन थीटा यूज करूँगा, क्योंकि एंगल मेरे को नोन है, एडजेसेंट साइड भी नोन है, और अपोजिट फाइंड आउट करना है, तो कौन सा ट्रिक ऑफ फंक्शन आएगा, टैन ही आएगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट क्या है डी ई अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है ए डी, तो ये फॉर्मूला मेरे को मिल गया। तो टैन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है 60, पुट करो, डी ई की वैल्यू अननोन है वही तो फाइंड आउट करनी है, ए डी की वैल्यू 12 है तो ये पुट कर दो, तो टैन 60 कितना होता है, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी मैंने बताया था √3 होता है, तो डी ई डिवाइड बाई 12, तो ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू 12√3 मीटर्स। तो तुम लोगों को क्या मिला, डी ई की वैल्यू मिल गई 12√3। तो टोटल बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, सी डी प्लस डी ई, देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे द हाइट ऑफ सेकेंड बिल्डिंग इज सी डी प्लस डी ई, मतलब सी डी कितना है 10 प्लस डी ई कितना है 12√3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर देते हैं, गलती कर देते हैं लास्ट में कि 10 प्लस 12 22√3 लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं आएगा, 9th स्टैंडर्ड में हो गया है, यहाँ पे रूट है ना, तो रूट इससे मल्टीप्लाइड है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, 10 के साथ भी अगर √3 होता तो ऐड हो जाते, लेकिन 10 के साथ √3 नहीं है, तो आंसर इतना ही आएगा। तो ये मिल गए बिल्डिंग की हाइट, सेकेंड बिल्डिंग की हाइट, ये समझ में आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो थोड़ा फटाफट सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी नहीं तो।
टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर आर इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, मतलब दो पोल्स है मेरे पास दो पोल्स है, वो दोनों मैंने ज़मीन में गाड़ दिए हैं, एक की हाइट है 18 मीटर, एक की हाइट है 7 मीटर, ओके। उसके बाद क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द वायर फास्टर एट देयर टॉप्स इज 22, मतलब फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप और सेकेंड बिल्डिंग का टॉप, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है एक वायर से, और उस वायर की लेंथ है 22 मीटर, ये उन्होंने बोला है। तो उसके बाद फाइंड आउट करना है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब वो जो वायर जाएगी ना, वो वायर हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा एंगल बना रही है, वो फाइंड आउट करना है। तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि ये एक पोल है, ये 18 मीटर का पोल है, और यहाँ पे एक पोल है, ये 7 मीटर का पोल है, तो ये पूरा पोल 18 मीटर का है, ओके। ये ज़मीन में रखे हैं, ज़मीन में गाड़ दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि ज़मीन पे खड़े हैं ना इन लोग। चलो तो ये हो गया, और उसके बाद उन्होंने बोला है कि यहाँ से लेके दूसरे बिल्डिंग के टॉप तक मैं एक वायर बांधूंगा, उस वायर की लेंथ है 22 मीटर्स, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं नेमिंग दे रहा हूँ ए बी, तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जैसे कि मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, तो ए बी सी डी और यहाँ पे मिल जाएगा ए। तो ए से मैं सी ई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ डी, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये ए बी सी डी में एक रेक्टेंगल मिल गया, ये रेक्टेंगल मिल गया, तो जितना 7 होगा तो यहाँ पे भी 7 ही होगा प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसे। तो अगर ये 7 है तो डी सी की वैल्यू 7 है और टोटल सी ई की वैल्यू कितनी 18, तो 18 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया 11 मीटर्स, समझ में आ रहा है, ये हो गया 7 मीटर्स, ये हो गया 11 मीटर्स। क्या किया है, टोटल 18 से 7 माइनस कर दिया, ये मिल गया मेरे को, तो 11 मिल गया। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये थीटा, तो देखो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो थीटा के अपोजिट वाली साइड नोन है, थीटा के हाइपोटेन्यूज नोन है, अपोजिट वाली नोन है, हाइपोटेन्यूज नोन है, अपोजिट हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फंक्शन होगा, साइन फंक्शन, तो वही लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ, पहले गिवन वैल्यूज लिख दो, गिवन वैल्यू में क्या दिया है, ए बी दिया है 7, उसके बाद क्या दिया है, ए ई दिया है 22, और थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिखूँगा फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ परपेंडिकुलर ए डी परपेंडिकुलर टू सी ई। अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल गया, यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री मिल गया। देयरफॉर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो फिगर है तो ये कौन सी होगी, रेक्टेंगल। देयरफॉर वी गेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल मिल गया मेरे को, ये रेक्टेंगल मिल गया, तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 7 है तो ये भी 7, ये लिखना पड़ता है, डायग्राम में लिखोगे तो चलेगा, डायग्राम के साथ साथ यहाँ पे भी लिखना है उसी के तो मार्क से, सी डी इज इक्वल टू 7 मीटर्स। अगर 7 वो मिल रहा है तो फिर ई डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ई डी की वैल्यू मिल गई मेरे को 11 मीटर्स। उसके बाद देखो ये ई डी मिल गया 11 मीटर, तो ये कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करो वहाँ पे, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ई डी ई मैं क्या करूँगा, ट्रिगो फंक्शन यूज करूँगा, कौन सा ट्रिगो फंक्शन, साइन, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट वीडियो देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे अपोजिट कौन सा है, डी ई डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है, ए ई, तो साइन थीटा एज इट इज लिखूंगा क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी ई, डी ई की वैल्यू कितना है 11, ए ई, ए ई की वैल्यू कितनी है 22, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 11 वन 11 टू, तो यहाँ पे आएगा 1/2, ओके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा, तो थीटा कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू, मतलब साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, ट्रिगो टेबल देख लो, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 30 होगा तब, मतलब एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, अगर ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो उन लोगों ने दिया क्या है, उन लोगों ने ये बोला है कि अ स्टॉर्म ब्रेक्स अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द
ट्री मतलब एक स्टॉर्म आया था, उसने क्या किया है एक ट्री को बीच में से मोड़ दिया, आई मीन तोड़ दिया है पूरा, लेकिन पूरा टूटा मतलब दो कट नहीं हुए है, वो थोड़ा सा लटक रहा है ऐसे, और लटकने के बाद ट्री का जो टॉप पोर्शन है, ट्री का टॉप पोर्शन है वो टॉप पोर्शन बेस पोर्शन से 20 मीटर डिस्टेंस पे है। तो कंसीडर करो कि ये पूरा ट्री था, ये पूरा ट्री था ऐसे, ये सरफेस पे है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि स्ट्रेट ही जाएगा, उन लोगों ने स्ट्रेट ही कंसीडर किया है। तो उन लोगों ने बोला है कि ये जो बीच में से ऐसे टूट गया वो जो है ना ट्री, वो ऐसे टूट गया यहाँ से, तो यहाँ से टूटने के बाद ये जो पार्ट था ये पूरा ऐसे यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या करूँगा वो जो टूट गया है ना तो वो पार्ट मैं यहाँ पे ऐसे दे दूँगा। तो उन्होंने ये बोला है कि मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ओके यहाँ तक आ सकता है मैं भी। तो उन्होंने बोला ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना ये ऐसे टूट गया और यहाँ पे ऐसे आ गया है, और इसका जो टॉप पोर्शन है ना ये वाला, ये बेस से 20 मीटर दूर है, 20 मीटर मतलब जो ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन था ये वाला वो 20 मीटर दूर है, और वो पोर्शन हॉरिजॉन्टल के साथ 60 का एंगल बना रहा है, ये बोला है उन लोगों ने, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के साथ वो 60 का एंगल बना रहा है। तो उन लोगों ने बोला है कि ट्री की हाइट कितनी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो मैं नेमिंग दे दूंगा ए बी सी और यहाँ पे आ जाएगा डी, मतलब हमें डी सी भी फाइंड आउट करना है और सी बी भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो चलो डायरेक्टली तुम लोग क्या यूज़ करोगे, ट्रिगो ही यूज़ करने वाले हो, ट्रिगो ही चैप्टर है, ओके। तो यहाँ पे 60 डिग्री दिया है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे देखो मेरे को ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये साइड, फिर ये भी फाइंड आउट करनी है ए सी, मतलब जितना ए सी होगा उतना ही डी सी होगा ना, क्योंकि यही टूटा है और ऐसे आया है नीचे, देखो ये पार्ट है यही टूटा है और ऐसे नीचे आ गया है ना ये, तो जितना डीसी होगा उतना ही एसी होगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन में लिख देता हूँ, तो एसी इज इक्वल टू डीसी, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम लिख दिया क्योंकि ये जितना है उतना ही है ये, ओके। चलो तो मेरे को पहले बीसी फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना, तो ये कैसे करूँगा, एंगल दिया है, एडजेसेंट मालूम है मतलब नोन है, और अपोजिट फाइंड आउट करना है, एंगल है एडजेसेंट अपोजिट, एडजेसेंट अपोजिट, तो टैन यूज करो ना। तो देखो तो स्टार्ट कर देता हूँ, पहले तो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी डिरेक्टली, मतलब मैं कुछ लिख के नहीं दे रहा हूँ कि ये ट्राइंगल कैसे बना, ये ट्री कैसे टूटा, ये सिंपल ग्रामर है, तो आप लोग वो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि ट्री टूटने के बाद ये 20 मीटर लेंथ यहाँ तक मिल गई, यहाँ तक आ गया, वैसा सब लिखना है। मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि जो सॉल्व करना है वो कैसे करेंगे। तो डायरेक्टली टैन थीटा यूज कर दिया, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे थीटा है तो मैं क्या करूँगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे थीटा भी लिख देता हूँ मैं, थीटा 60 डिग्री है और ए बी की वैल्यू कितना है 20 मीटर्स है। तो चलो टैन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो मैं यूज करूँगा बी सी अपॉन ए बी, ओके। तो टैन थीटा कितना है 60, तो यहाँ पे लिख दिया बी सी की वैल्यू अननोन है, बी सी डिवाइड बाई ए बी की वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो टैन 60 की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम बताया मैंने, रूट थ्री इन टू, यहाँ पे जो 20 है वो 20 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 बी सी, मतलब बी सी की वैल्यू कितनी मिली, बी सी की वैल्यू 20 रूट थ्री मीटर्स, ये वैल्यू मिल गई बी सी की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मिल गया मेरे को 20 रूट थ्री। उसके बाद मेरे को ये डी सी भी फाइंड आउट करना है, लेकिन डी सी किसको इक्वल है, ए सी को ना, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, देखो तुम्हें एडजेसेंट साइड नोन है और तुम्हें हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, या फिर अपोजिट साइड भी नोन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, कोई भी साइन या कॉस किसी से भी आंसर निकाल सकते हो, आंसर आएगा। ये देखो ये एडजेसेंट साइड नोन है, एंगल के एडजेसेंट और एंगल का हाइपोटेन्यूस, एंगल के एडजेसेंट वाली साइड नोन है और हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करना है, एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस कॉस यूज करो। तो आप लोग साइन से भी यूज कर सकते हो, ये वाला अपोजिट यूज करके साइन यूज करो, तो मैं कॉस यूज कर रहा हूँ, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट क्या है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी, ये लिख दिया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 60, ये पुट करो, ए बी की वैल्यू क्या है 20, ये मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए सी अननोन है तो ए सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए सी यहाँ पे आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 20, ये कॉस 60 कितना होता है, हाफ
कॉस 60 कितना होता है, जितना कि साइन 30, साइन 30 हाफ, तो कॉस 60 भी हाफ। ओके, तो ये हाफ हो गया, तो ये यहाँ पे लिखूंगा, उससे अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ही स्टेप में दो स्टेप कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेके गया, इसको यहाँ पे लेके गया, और उसी स्टेप में कॉस की भी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो यहाँ पे आ गया हाफ, ये हाफ यहाँ पे आ गया है ना, तो ये हाफ डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर का डिनोमीटर क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एसी की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 × 20, मतलब एसी की वैल्यू मिली 40 meters, मतलब एसी की वैल्यू कितनी है 40 meters, एसी की वैल्यू कितनी है 40 meter, मतलब डीसी की भी वैल्यू उतना ही होगी, क्योंकि एसी इज इक्वल टू डीसी है, देयरफॉर एसी इज इक्वल टू डीसी इज इक्वल टू 40 meters। अब मेरे को बताओ, ये 40 meters मिल गया है, ये 20√3 meters मिला है, तो टोटल हाइट कितनी होगी, देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे तुम लोग, टोटल हाइट ऑफ ट्री इज क्या लिखोगे, एसी प्लस एसी, एसी लिखने से अच्छा है डीसी लिख दो, डीसी प्लस बीसी, डीसी प्लस बीसी, ये तो टोटल हाइट हो गई ट्री की, तो ये लिख दिया, देयरफॉर डीसी, डीसी की वैल्यू कितनी है 40, और बीसी की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 20 लिख दो यहाँ पे, तो 20√3, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, मतलब ट्री की टोटल हाइट कितनी हो गई, 40 + 20√3 meters, ये टोटल हाइट हो गई ट्री की। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड कर दो, पूरी प्रॉपर समझ में आएगी। ओके, ये तो क्वेश्चन हो गया फिफ्थ, इसके बाद सिक्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, और कितना इजी क्वेश्चन दिया है, देखो सिर्फ लेंथी बना के दिया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं डायरेक्टली पढ़ देता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ, फटाफट सॉल्व करते हैं, ओके, इसके बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 meters अबाउ द ग्राउंड, मतलब एक पतंग है वो जो हवे में उड़ रही है, उसकी हाइट ग्राउंड से 60 meters है, तो देखो यहाँ पे मैं कंसिडर करूँगा ये पतंग है, तो हाइट क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ही मेजर करते हैं ना, तो इसे ये कंसिडर कर लो हाइट है, तो यहाँ पे ग्राउंड है, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है, यहाँ पे काइट है आगा, तो ये परपेंडिकुलर हाइट है, तो हाइट कितनी है उन लोगों ने बोला है 60 meters, हाइट तो हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर ही मेजर करते हैं ना, तो ये 60 meters है। अ स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट इज टाई एट द ग्राउंड, मतलब उन लोगों ने बोला है कि यहाँ पे जो काइट है उसको एक स्ट्रिंग मैंने लगाई है, जो मांझा बोलते हैं ना वो लगाया है, और वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ओके, वो ग्राउंड को टच कर रहा है एट एन एंगल 60, मतलब ये ग्राउंड को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो 60 angle कर रहा है विथ द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड के साथ 60 angle कर रहा है। अज्यूम द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट, मतलब उन लोगों ने बोला है अज्यूम करो, कंसिडर करो कि ये जो स्ट्रिंग है ना एकदम स्ट्रेट है, तुम लोग बोलोगे सर ऐसे थोड़ी सी टिल्ट हो, वो भी उन लोगों को मालूम है कि तुम लोगों के दिमाग कैसे हाई चलते हैं, इसलिए उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि अज्यूम वो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रेट है, ये बोला है। उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ, तो ये वाली स्ट्रिंग है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रिंग है, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करो, लेंथ फाइंड आउट करो ना, तो क्या करोगे, ये स्ट्रिंग मतलब क्या हाइपोटेनस हो गया, देखो 90 के सामने वाला है ना, हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया एक ट्राइंगल, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा मिल गया, ABC ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ट्रिगो फंक्शन यूज करो, कैसे यूज करोगे, देखो एंगल नोन है, एक साइड मालूम है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो एंगल तो नोन है, तो कौन सी साइड नोन है, कौन सी साइड, अपोजिट साइड नोन है, अपोजिट साइड नोन है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, अपोजिट हाइपोटेनस साइन फंक्शन। चलो तो स्टार्ट करते थे, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, सॉल्यूशन में गिवन वैल्यू पहले लिख दो, तो बीसी की वैल्यू दी है उन लोगों ने 60 meters, उसके बाद थीटा दिया है, थीटा कितना दिया है 60 degrees दिया है, और उसके बाद फाइंड आउट क्या करना है, एसी की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू ना, तो वो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, डायरेक्टली ट्रिगो फंक्शन यूज करो, कौन सा ट्रिगो, साइन थीटा, साइन थीटा ही तो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं लिख देता हूँ बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है एसी, वो लिख दिया साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 60, वो लिख दो, बीसी की वैल्यू क्या है 60, वो भी लिख दो, एसी की वैल्यू तो अननोन है, तो अननोन लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, इससे अच्छा है एसी यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन 60 डिनोमीटर में आ जाएगा, तो क्या करूँगा, एसी इज इक्वल टू 60/sin60, तो चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसी, ये 60 एज इट इज डिवाइड बाय साइन 60, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हाउ मच, साइन 60 होता है √3/2, तो यहाँ पे मैं √3/2 लिख दूंगा, तो ये 2 देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ना, तो ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा कैसे, एसी
इज इक्वल टू 2 × 60/√3, मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 120/√3, ऐसे मैं लिख दूंगा। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने? तो इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर दो, इतना रखोगे तो भी चलेगा, या फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई क्या करोगे, मैंने रैशनलाइजिंग बोला था देखो फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो रैशनलाइजिंग टाइप यूज़ करो। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं है मतलब कौन सा नंबर है, नंबर वन, तो नंबर वन को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, √3/√3, तो इसको कैंसिल करूँगा तो वन ही आएगा ना। तो ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, क्योंकि √3 × √3 इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, 120 × √3/√3 आ गया 3। तो अभी आंसर सिर्फ न्यूमरेटर में रखो, फ्रैक्शनल में आंसर नहीं रखना था, इसलिए मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 1 3 4 3 0, मतलब फाइनल आंसर क्या आया, 40√3 meters, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो तुम लोग लास्ट में आंसर लिखोगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 meters। समझ में आया है न्यूमेरिकल, अगर नहीं समझ में आया होगा तो जाके वीडियो को रिवाइंड कर दो और देख लो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो यही पे एक्सरसाइज 6.2 ख़त्म हो रही है और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। ओके, अगर आपको सच्ची में ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो। जितने भी फ्रेंड्स होंगे जिन्हें ट्रिगो समझ में नहीं आता, या फिर तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स होंगे वो 9th में होंगे, जो 10th में जाने वाले होंगे, उन्हें सबको ये सेंड कर दो, क्योंकि ये ट्रिगो इस मैनर में कोई नहीं पढ़ाएगा। पढ़ाएंगे तो अच्छे ही पढ़ेंगे, मेरे से भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ कि सबको ईजिएस्ट मैनर में समझ में आ जाए। ओके, तो ये तो एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बनाओ, इसके बाद वाला जो टॉपिक होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक स्टडी करो, ऑल द बेस्ट।